करते हैं। हाय वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज अभी इसी वक्त हम जा रहे हैं अपनी टीम के साथ, अपना एक ऑफिशियल डे भी इसको सेलिब्रेट करेंगे और पर्सनल डे भी है, हमारा मिक्सअप डे है एक्चुअली। ऑफिशियली क्या है कि सबसे पहले हमने एक मीटिंग करनी है, उसके बाद पीछे हमारे महेश्वर भाई है, पहले टीम से मिलवाओ। महेश्वर भाई बोलते हैं हम इन्हें, वैसे हमारे एम्प्लॉई है। ये है पिंकू, ये पिंकू, पिंकू जो है ये पिंकू जिया है इसका नाम। और महेश्वरी हमारी टीम में नए ऐड हुए दो, और जो हमने टीम के साथ पहले ब्लॉग बनाया था ना उसमें कुछ अलग थे। एक देव था, देव अभी कनाडा शिफ्ट हो चुका है और करंट में हमारी टीम थोड़ी सी अपडेट हो गई है, और बाकी जो टीम है वो अपने घर बैठ के आराम से काम करते हैं, काम मिलता नहीं मिलता कुछ नहीं पता उन्हें, बस करते रहते हैं। तो अभी हम निकले हैं, महेश्वर बोल रहा था काफी दिन से कि मेरे को बर्थडे पार्टी देनी है, काफी पैर पड़े मेरे, हाथ जोड़े मेरे, ले लेते हैं पार्टी इतने टाइम से बोल रहे। तो चल झूठा। तो अभी इतना फोर्सफुली इन लोगों की तरफ से आने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि चलो कुछ खाने पीने चलते हैं, पास में मीटिंग है, पहले मीटिंग खत्म करेंगे फिर हम सेक्टर 82 मोहाली की तरफ जा रहे हैं। एक्चुअली वहीं सामने कोई रेस्टोरेंट है, काफी रेस्टोरेंट है, वहीं कहीं बैठेंगे आराम से। तो भाई आज फिर मैं पूरी टीम के साथ निकला हूँ पार्टी करने के लिए, और ये हमारा जो ऑफिस है ना इसमें ऐसा कि पार्टी ज्यादा होती है और काम बहुत लिमिटेड रहता है, काम भी होता है वैसे, जब काम आता है तो एक साथ आता है सारा, आजकल तो थोड़ा कम है, तो इसलिए हम निकल पड़े हैं। और तबीयत मेरी खराब है थोड़ी, जैसे आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा होगा मैं फैमिली के साथ डिनर पे गया था, गला थोड़ा खराब है क्योंकि हमारे ऑफिस में जो पानी देकर आता है ना उसने हमें देसी किसी नलके का पानी पिला दिया है, बिस्लरी का पानी, सबके गले खराब है। और पीछे अरिजीत सिंह इनके गले बहुत अच्छे थे, सबके खराब हो चुके हैं। तो अभी हम आ गए हैं एयरपोर्ट रोड की तरफ, और ये देखिए अभी मौसम का मिजाज ये है कि थोड़ी थोड़ी जो है धूप कम लगने लगी है, पहले बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले ज़्यादा गर्मी होती थी, बट अभी ठीक है, अभी धूप अच्छी लग रही है क्योंकि ठंड भी लग रही है वो खराब होने की वजह से, तबीयत खराब होने की वजह से। भैया जाओ आपको मांग रही है। भैया मूड में वो कह रही है, वो कह रही है ये एक लड़की को रख रख के बोर हो गई, पिंकू की रखोगी अपने साथ, पिंकू को उठाया कंबोडी। पहले पता क्या करते हैं, पहले कराते हैं बच्चों को नशा, बुरी हालत कर देते हैं बच्चों की ताकि वो सोया रहे और लोग उसको देखे कि उस पर दया आए, और फिर वो पैसे मांगते हैं। वैसे जेन्युइन बताऊं ना ये बहुत ज्यादा आजकल बढ़ गया है, और मैं पहले तो दे भी देता, अब नहीं देता हूँ मैं बिल्कुल भी, अब तो मुझे और गुस्सा आने लगा यार कि मतलब इन लोगों की तादाद इतनी बढ़ती गई है, वो इसी वजह से क्योंकि हमने बढ़ावा दिया यार। खाना खाने को बोलो तो खाना भी नहीं खाते, ये कहते 10 रुपए ही दे दो बस खाना नहीं खाएंगे। और अभी पता कैसे है, कहीं कहीं जैसे बड़े सेक्टर में जाओगे ना चंडीगढ़ में, तो वहाँ तो कुछ बोलते हैं कि मुझे आटा दिला दो, चावल दिला दो, पिंकू की अच्छी है वो तो है ही, कभी तो ये जरूरत पड़े तो महेश्वर को रख के जा सकता है इस तरह खुले पे रखे ऐसे। था ना पहले हमारा प्लान था कि महेश्वर की जो पार्टी हम लेंगे वो हम लेंगे कसौली रोड पर ऊपर की तरफ जाके, क्योंकि मुझे टाइम नहीं लग रहा था, तो मैं काफी दिन से सोच भी रहा था यार आज कल परसों करते करते ये भी कॉल कर रहे थे यार कब देनी है पार्टी, ये उतावले हो रहे थे पार्टी देने के लिए, तो हाँ, बहुत ज्यादा उतावले, तो इन्होंने लोन उठाया हुआ एक्चुअली, सच निकाल दिया सर ने, सच में पर्सनल लोन लिया है, नहीं नहीं 20% पे इन्होंने लोन लिया हुआ है। पिंकू गिरवी रखा है, पिंकू गारंटर है, नहीं पिंकू गिरवी रख दिया, पिंकू गारंटर रखा हुआ है, तो मैंने सोचा चलो पार्टी ले ही लेते हैं इनसे आज। बट मेरा प्लान था कि मैं ऊपर जाके लूंगा इनसे कसौली की तरफ, और एक छोटी सी ट्रिप भी हो जाएगी और अपना घूमना फिरना हो जाएगा, और एक अच्छे से हम अच्छी तरह से टाइम स्पेंड करेंगे तो हमारी एक टीम की वीडियो भी अच्छी बन जाती है। तो बट टाइमिंग की वजह से थोड़ा इशू रहा, तो हम लोकली हमने सोचा यार मोहाली में ही कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ मीटिंग भी थी पास ही है और सामने हम जाके ब्रेकफास्ट किया, सॉरी लंच है, तो लंच का टाइम हो गया, लंच करेंगे। कोई नहीं सर, पार्टी आपकी भी रहती है तब कर लेंगे ऊपर जाके। हाँ मैं अपनी जो मेरी पार्टी रुकी है ना वो मैं आपको वहीं जाके दूंगा, एक्चुअली अभी गला खराब है क्योंकि जो मैं प्लान कर रहा ना वहाँ पर माइक्रो ब्रूडी है और
मैं कभी गया भी नहीं हूँ, और वहाँ पे क्या है कि सामने का व्यू बहुत अच्छा है, हिल्स हैं सामने, वहाँ बैठ के अच्छा लगेगा। तो चलिए हम पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पे। पहले हमने करनी है एक मीटिंग, मेरी एक मीटिंग है, तो मीटिंग करके और फिर हम कुछ खाने पीने के लिए निकलेंगे। तो अभी मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो अभी हमारी मीटिंग जो है फिनिश हुई है, मुझे लगा था 15-20 मिनट लगेंगे, बट ऑलमोस्ट डेढ़ घंटे की मीटिंग चली है। और हमारा प्लान था कि मेरे पास ज़्यादा टाइम था नहीं कि हम कहीं अच्छी जगह जाके बैठेंगे, थोड़ा खाएंगे पिएंगे बड़ी अच्छी तरह, बट अभी लग रहा है कि कहीं रेड़ी ढूंढ के छोले कुलचे खा के घर जाने वाले क्योंकि टाइम जो है वो ज़्यादा बचा नहीं है, और 5 बजे मुझे घर जाना था, मेरा एक काम था, तो समझ नहीं आ रहा। सजेशन दो तुम लोग क्या करना है। बताओ क्या करने है भाई। कुछ भी चलेगा कुछ भी चलेगा। भूख लगी है तो पालक का साग और रोटी देखो कहाँ मिलेगी सबसे बढ़िया सबसे बढ़िया है। एक और मीटिंग करनी तो बता दो एक और मीटिंग कर लेते हैं, खाने पे तेरे एनर्जी आ जाएगी। अब कुछ सेलेक्ट करने का या कहीं आने जाने का ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो जहाँ हमारी मीटिंग थी पास में ही है ब्रूस्टर, ये ऊपर माइक्रो ब्रूडी बार, तो सोचा यही कुछ खा पी लेते हैं। एंट्री बड़ी अजीब सी रखी हुई इन लोगों ने। हाँ जब हम यहाँ पे पार्टी करने आए थे वो बाहर ही एंट्री पे हमारा वो करने लगा, तलाशी लेने लगा। आई थिंक सेकंड ही है। तो ये आ गए हम सेकंड फ्लोर पे ब्रूस्टर में, यही बैठना ऊपर, ऊपर भी तो आई थिंक बैठने का, तो ये इनका स्पेस है। तो हम चलते हैं इसके भी ऊपर वाले फ्लोर पे जहाँ पर इनका बार बना हुआ है। तो ये आ गए हम थर्ड फ्लोर पे ब्रूस्टर के, थर्ड फ्लोर पे जहाँ पे इनका बार वगैरह बना हुआ है। और ये एरिया ठीक है यार बैठने के लिए, नीचे तो थोड़ा शांत था बट यहाँ पे ये तो अंधेरा सा हो रखा है, और इन लोगों ने लाइट भी ऑन नहीं की हुई है, अंधेरा काफ़ी रखा हुआ है, इतना हैपनिंग से लग नहीं रहा है जगह। या तो आजकल शरार चल रहे हैं उसकी वजह से लोग पी नहीं रहे ना। कहाँ भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो, पी पा गए, कहाँ भाग रहे हो पी गए, पैसे कौन देगा। ये देखो खा पी के और पीछे साइड से निकल लिए। एक्चुअली हुआ क्या है, यहाँ पर हैपनिंग से नहीं लगा हमें, हमने बहाने तो हमें कुछ बहाना मारना पड़ा, बड़ा जेन्युइनली अच्छा नहीं लगा, बड़ा शांत सा पड़ा था, ना म्यूजिक है ना कुछ है, हम ऊपर से लाइटें इतनी गंदी, लाइटें बहुत गंदी थी, वो चमकी सा दर्द गंदी थी। तो हमने यहाँ पर बहाना मारा कि यार यहाँ पर जो फ्लेवर्स हैं कौन कौन से फ्लेवर्स हैं, कि ये नहीं है क्या, उसने कहा ये नहीं है, तो बहाना मिलते भी नहीं जबकि हम पीते भी नहीं। हम यहाँ से निकल गए, अब हम कोई अच्छी सी जगह देखेंगे यार, टाइम वेस्ट ज्यादा हो रहा है इसलिए जल्दी जा करना पड़ेगा। जीरकपुरी बैठ लेते हैं यार, ऐसा फ्लेवर बोलो जो होता भी ना, कुकुम्बर फ्लेवर बोल देते। बहाना चाहिए था कुछ बाहर निकलने का, मैं तुम्हें पहले ही बोल रहा था हम कहीं ऐसी जगह चलते हैं जहाँ खाना मिले प्रॉपर। तो अभी हम भटक ही रहे हैं लंच को लेकर, और जब से भूखे हम, पहले तो जो हमारी मीटिंग पड़ी वो बीच की ऐसे टाइम पे पड़ी कि देखा जाए तो ना लंच का टाइम कर सकते थे हम, ना पार्टी का टाइम। तो अभी हम भटक ही रहे हैं, अराउंड बजने वाले हैं 4 बज गए भाई, 4 बज गए, और लंच भी नहीं किया, जिस रेस्टोरेंट में गए वो भी पसंद नहीं आया, वहाँ से भी आ गए, तो देखते हैं कहाँ जा रहे हैं अभी। तो ये महेश्वर की जो पार्टी है ये याद रहेगी हमें कि लंच करने निकले तो डिनर करने तो पिछले 3 दिन से हो रही है कैंसिल, और आज निकले तो कोई जगह नहीं मिल रही बैठने के लिए, और लंच के लिए निकले थे, डिनर करके पहुँचेंगे घर हम, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अभी हमारा प्लान है कि हम थोड़ा सा आगे की तरफ और चलते हैं, वहाँ पर एक बारबेक्यू है, वहाँ जाकर बैठ लेते हैं, वहाँ भी 1-1.5 घंटा लगना है, और मेरे को 5:30 बजे निकलना भी है, तो टाइम भी हो रहा है और लंच भी नहीं किया, लंच भी करना है, भाग दौड़ चल रही है अभी। भटक भटक के पहुँच वहीं गए हैं जहाँ सबसे पहले डिसाइड हुआ था, हैं सबसे पहले हमने डिसाइड किया था कि हम जाएंगे पायरेट्स ऑफ ग्रिल, जब महेश्वर ने बोला था ना कि पार्टी देनी है तो सबसे पहले मैंने ये बोला पायरेट्स ऑफ ग्रिल जाएंगे, तो घूम फिर के 2-3 जगह गए भी, बट फिर भटक के पायरेट्स ऑफ ग्रिल की ही हमने फाइनल किया कि यहाँ ही चलते हैं, और जो कि हमारे ऑफिस के पास में भी है, सामने हमारा ऑफिस है उधर सुषमा की बिल्डिंग में, और उसके अपोजिट ही ये बिल्डिंग है जहाँ पर हमने जाना है। तो
अब बस ये हमने गाड़ी पार्क कर दी है और हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ पायरेट्स ऑफ ग्रीन में ही अपना लंच करते हैं। और लंच के अब तो डिनर का ही टाइम हो गया एक्चुअली। धर्मवीर की जोड़ी तीसरा कौन है? हेमा मालिनी। धर्मवीर और बीच में हेमा मालिनी। तो ये आ गए हम थर्ड फ्लोर पे पायरेट्स ऑफ ग्रिल में। वैसे तो ऑलरेडी हम दो तीन बार यहाँ आ चुके हैं बट ठीक है, अभी बारबेक्यू नेशन तो बंद हो गया तो यहीं आना जाना होता जाता है। अनफॉर्चुनेटली स्टार्टर तो यहाँ पर बंद हो गया क्योंकि अराउंड 4:30 के करीब बज गए और इनकी जो ग्रिलिंग वगैरह रहती है वो 4:30 बजे तक रहती है। तो हमें सिर्फ अगर मिलेगा यहाँ पर बफे में तो मेन कोर्स ही मिलेगा, स्टार्टर तो नहीं मिलने वाला जिसके लिए हम आए थे। अब देखते हैं क्या करना है। ठीक है, स्टार्टर के बिना ओके, लंच वही कर लेते हैं। लंच डिनर कम, लंच कम डिनर हो गया अब तो। हाँ डाल ही लेते हैं, अब तो यहाँ कुछ आएगा नहीं ना। गला खराब है सर आपका तो चावल का। जब हमें स्टार्टर भी नहीं मिला भाई, तुम अले अले एक अनोखा ही लंच खिला रहे हो आज। बटाके रहे जब से आए हैं सुबह से और आज का दिन इतना खराब। एक तो लंच कर रहे हैं 5 बजे डिनर के टाइम पर। हाँ डिमसम भाई मैंने बोला था, नॉन वेज खिलो, ऑप्शन नहीं है, लिमिटेड ऑप्शन है भाई, अभी इसी में ट्राई करो बस जो खाना पीना है। क्या बात है, ठीक है वेज ही चलेगा। तो आज का दिन ऐसा है खाने को लेकर बड़ा ख़राब है। एक तो मैं घर से बिल्कुल भी खाना पैक करा के लाया नहीं हूँ कि हम आज महेश्वर के बर्थडे का लंच करेंगे। हाँ खाना टेस्टी होता है। ये हमारे महेश्वर जिनका बर्थडे है, बर्थडे बॉय। जहाँ जा रहे हैं एक तो पहले गए वहाँ पर एक्चुअली में अच्छा नहीं लगा एनवायरनमेंट तो वहाँ से आ गए। अब दूसरा यहाँ पर आए तो यहाँ पर स्टार्टर एक्चुअली 4:30 बजे तक रहता है। तो स्टार्टर जो मेन चीज़ है इनका ग्रिलिंग बारबेक्यू तंदूर वो सारा बंद हो चुका है, तो सिर्फ मेन कोर्स ही खा सकते थे। अब उसमें भी क्या है कि आधी चीज़ें हैं आधी चीज़ें नहीं है। डम्पलिंग भी हमने ये देखो डम्पलिंग भी स्पेशल रिक्वेस्ट की है और तब जाके मिली है, और बट उसमें भी कुछ ऑप्शन है कुछ नहीं है। तो अभी हम कॉम्प्रोमाइज़ करके खा तो रहे हैं बट ये कि चलो ठीक है खाना अच्छा है। पूरा लहसुन उठा के लिया है, ये इसका अलग ही टेस्ट होता है। है क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक है, आप लोग ले सकते हो। कुछ गर्म में होगा, गर्म में गर्म ड्रिंक नहीं है, सूप ही है खाली। मेरे लिए तो कुछ नहीं, तुम लोग देखो, मैं ठंडा ले नहीं सकता ना क्योंकि गला बैठा हुआ है। कुछ हॉट में नहीं हो, कुछ कर नहीं सकते हॉट में सर, सॉरी कुछ तो बना दो को। महेश्वर को गुस्सा आ गया पता है। टिश्यू तो दे के जाओ। स्टार्टर नहीं दिया, डम्पलिंग भी नॉन वेज नहीं दी तुमने, टिश्यू रखे नहीं थे। महेश्वर बोला टिश्यू तो दे के जाओ। मैंने कहा गर्म चीज है कुछ, कह रहे गर्म भी नहीं मिलेगा। और भी गुस्सा आया यार। डम्पलिंग वैसे अच्छी है, इनकी डम्पलिंग काफ़ी अच्छी होती है। एक बार ये गार्लिक उठा के दिखा, पूरा गार्लिक ये इन लोगों ने ऐसे ही गार्लिक डाल दिया। पिंकू के जोड़ों में दर्द है क्या? पूरा गार्लिक खाना है। अच्छा जी, वैसे आज यहाँ पे लेट आने का एक फायदा तो है, वो पता क्या है? सस्ता पड़ गया। सस्ता ना है, 100 रुपये तो कम हुआ, 200 250। मेन कोर्स में अभी बता देता हूँ मैं, लेंगे यार भी। तू बता चाहे क्या, तो अपनी आइडिया बता क्या चीज़ होगी फायदा, सोचो सोचो। खाने से कुछ नहीं होगा, इतनी देर नहीं रोक सकता मैं कैमरा। उससे क्या लेने देना, नहीं मैं बताता हूँ क्या है फायदा। ये है कि देख जब भी मैं आता हूँ ना बारबेक्यू नेशन या पायरेट्स ऑफ ग्रिल, तो उसमें क्या होता है कि हम ना कभी भी मेन कोर्स ट्राई नहीं करते हैं। स्टार्टर खाया और निकल लिए, स्टार्टर खाया डिजर्ट खाया घर निकल लिए। पहली बार मेन कोर्स खा रहे हैं और जेन्युइनली अच्छा बना है खाना, है नहीं? पहली बार ट्राई किया, ये फायदा है। वगैरह सब्जी अच्छी
महेश्वर पे मेरा क्या फायदा मेरा क्या फायदा तो मैं पहली बार मेन कोर्स को जनरली मेन कोर्स ना मैं पहली बार इतनी अच्छी तरीके से खा रहा हूँ इनका, क्योंकि हर बार स्टार्टर खा के इतना पेट भर जाता है, मन ही नहीं करता। मेन कोर्स हम खाते नहीं, और एक फायदा और हुआ है स्टार्टर ना होने की वजह से कि हमें 250 रुपये का पर पर्सन डिस्काउंट मिला है, तो अभी हमें 550 का ये एक बफे पड़ेगा। राइस पता मैं क्यों ज़्यादा खा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को काफ़ी दिन से तबीयत ख़राब थी, जला बैठा हुआ था, तो मैंने राइस उस दिन से खाई नहीं, तो अभी देख के अच्छा लग रहा है तो मैंने सारे राइस ही खा गया। तो उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या दे रहा है, उससे मुझे क्या फायदा हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। इसमें हल्दी है ना बिरयानी में, इसलिए खा रहा हूँ, ठीक रहेगा। अभी ये मेन कोर्स भी हटाने के लिए बोल रहे हैं, खाई मेन कोर्स खाने के लिए, वो कह रहे हैं वो भी जल्दी हटा रहे हैं, जल्दी खाओ, और थोड़ी देर बाद बोलेंगे डेजर्ट भी हटा रहे हैं, फिर अगले दिन आएंगे शाम तक बोलेंगे हम रेस्टोरेंट ही लेके जा रहे हैं। पिंकू बस कर, 4 लोग हो रहे हैं, वो भी खाएंगे। आज तो मैं ही खाऊंगा। एक्चुअल बफे का मतलब कब से पता लगा कि बफे का ये मतलब होता है एक बंदे को पर पर्सन वो करना पड़ता है पे, कब से पता है तेरे को? अभी तक नहीं पता अभी पता लगा। और महेश्वर तेरे को? तो मुझे पता है कब पता लगा था, जब मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ तो हम एक बफे खाने गए, कटानी ढाबा है ना पारस डाउनटाउन में, हम बफे खाने गए और वहाँ पर लिखा था कि बाद में पढ़ा वो हमने, तो हमने एक प्लेट ली मैं और शिवानी दोनों ने, भाई हम दोनों लास्ट की बेंच पे जाके भर भर के लेके प्लेट में खा रहे हैं, वहाँ लिखा था पर प्लेट 120-130 ऐसी था, तो लास्ट में वो हमें देख रहा बंदा भाई वो ओनर, लास्ट में जब मैं बिलिंग करने गया वो कहता यार भैया आपने वो नहीं पढ़ा है वो क्या लिखा है यार, ऐसा शेयरेबल नहीं होता ये बफे है। तो मुझे उस दिन पता लगा इसका मतलब क्या होता है, और हम 130 मुझे लगा 130 में ठीक है यार, पूरा परिवार आएगा अगली बार एक प्लेट में भर के, पूरा फैमिली को लेकर आऊँगा एक प्लेट में भर के पूरा खाएंगे एकदम। यहाँ भी बजेंगी तालियाँ, ये उधर बज रही है तालियाँ। महेश्वर का भी बर्थडे है भाई, उनको बोलो केक लेके आएंगे, बोला था उनको, बोलो बुला के ले, मैनेजर को भेजना जरा, मैनेजर को भेजो एक मिनट। बात है भाई, रिक्वेस्ट पे केक भी आ गया, वैसे मना कर रहे थे महेश भाई का बर्थडे, विवाह में वेस्ट नहीं करना था एक्चुअली, सुबह से परेशान हो गए थे। चलो महेश भाई केक काटो अपना, बेइज्जती करेंगे अच्छी तरह। जलील एनिवर्सरी है ना आज महेश की एनिवर्सरी आज, क्या बात, अरे ये क्या हुआ महेश भाई ब्लश खा रहे एकदम, गाना भी ऐसे लगा दे, क्या बात है, हैप्पी बर्थडे महेश्वर भाई। क्या बात है भाई, इतना स्पेशल तो हमारा भी नहीं हुआ था। शेफ खिलाएंगे आपको, शेफ क्या बात है भाई, सच में महेश्वर का बर्थडे तो हम स्पेसिफिकली आए थे, हमारे बर्थडे से भी अच्छा बनाया, काफी अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। और अभी ये केक हम खाएंगे, वैसे तो मैं ज्यादा नहीं खाऊंगा बट थोड़ा ट्राई करूंगा। ये क्यों गई फिर अभी भाई, आए थे ये तो खत्म कर ले, केक भी है इधर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ले अब हुआ म्यूजिक बंद, ये इनका प्लान था पूरी रात यही नाच के जाएंगे, पूरे जितने वेटर और स्टाफ छूपते ना आज पूरा बर्थडे मना के जाएंगे महेश्वर का। बट जेन्युइनली यार तेरा बर्थडे इन्होंने बहुत अच्छी तरह मनाया, हाथ पैर भले ही हमें जोड़ने पड़े इनके, बट इन्होंने लास्ट में खुश कर दिया, नहीं मैं आया था तो मेरा इतना अच्छा नहीं किया था इन्होंने। और जो बचा हुआ केक था, ये बचा हुआ क्या मतलब केक तो हमने बिल्कुल पूरा ही है, ये हमने पैक करा लिया, और ये केक आज मैं लेके जाऊँगा घर, क्योंकि इससे पहले जो हमने केक काटा था महेश्वर का, ये सारे बुक्कड़ आदमी खा के चले गए थे, पूरा केक खा गए, हम आधे से ज्यादा केक बचा खा के वो अपनी बॉडी बना रहे हैं।
प्रोटीन वाला केक था क्या? बोल रहा है कि मैं मोटा हो रहा हूँ अब, लग केक खा के हुआ है मोटा ही पूरा। सुबह से बोल रहा है मोटा हो गया, मोटा हो गया। उसको मैंने आईपैड दिया उसके मीटिंग के लिए, मैं देख रहा अगले दिन है तीन तीन घंटे आईपैड चल रहा है। क्या बहुत चावर तभी पड़ रहा था ये आपके पास था ना, तू मेरा ब्लॉग उस पर देखता था, मत देख, दूसरा फोन भी दिया मैंने। और ये बिल आ गया, अब हमने बिल मंगा लिया और बस खाना पीना हो गया सारा, ऑल परफेक्ट अच्छा था बर्थडे, हमने बढ़िया अच्छा सेलिब्रेट किया। और ये ठीक है परफेक्ट एकदम 2126। बस अब बिल पे करके यहाँ से निकलते हैं, चलो ये उठाओ गाड़ी की चाबी मेरे पास है, चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। यार एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा हमारा आज का भी, और स्पेसिफिकली हमने बोला केक के लिए बट आ गया था, और बाद में जो उन लोगों ने सर्विस दी उसको देख कर मन खुश हो गया। पहले तो वो थोड़ा सा खाना खाने हिचकिचा रहे थे, यार ये बंद हो गई थी पीछे, अच्छा वो ऊपर है, पहले तो वो हिचकिचा रहे थे यार केक 4:30 बज गए हैं बनाना पड़ेगा आप लेट हो गए, फिर उन्होंने देखा ये तो व्लॉग कर रहे हैं, हाँ फिर उन्होंने देखा यार ये तो वीडियो बन रही है, तो फिर वो पूरा शेफ भी वेटर भी सारे लोग मिल के आके अच्छी तरह से बर्थडे सेलिब्रेट करने लगे। तो चलो लास्ट में गुड बाय अच्छा हुआ, और इस ब्लॉग को फिनिश करते हैं, आपसे अपने नए ब्लॉग में मिलेंगे, बाय के लिए बाय।